हेलो लर्नर्स, आई एम शैलेश त्यागी, फिजिक्स एडुकेटर एट अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर इंदौर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स मेड आसान बाय एसटी सर, इस सीरीज में मैं आज एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आया हूं। चलिए देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है रैट एंड कैट प्रॉब्लम। हैव अ लुक एट द बोर्ड। देखो, ये प्रॉब्लम है, इसमें एक चूहा है यहां पे और यहां पे एक बिल्ली है और ये बिल्ली इस चूहे का शिकार करना चाहती है। ओके, डन। कुछ कंडीशंस ये हैं कि ये जो चूहा है कांस्टेंट स्पीड यू से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचने के लिए ट्रेवल करेगा और ये जो कैट है, कैट हमेशा अपना फेस चूहे की तरफ रखेगी। ओके, तो जैसे जैसे चूहा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बिल्ली टर्न लेती जाएगी और कंडीशन ये दी गई है कि कैट ऑलवेज हेड्स टुवर्ड्स रैट, मतलब बिल्ली का फेस हमेशा चूहे की तरफ रहेगा और बिल्ली की स्पीड भी कॉन्स्टेंट दी गई है। तो बिल्ली की स्पीड दी गई है आपको वी, चूहे की स्पीड आपको दी गई है यू और दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन आपको दिया गया है एल। ओके, तो यहां पे हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि गिवन क्या क्या है। यू रेट स्पीड, वी कैट स्पीड एंड एल इज इनिशियल सेपरेशन। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने टाइम में ये बिल्ली इस चूहे को कैच कर लेगी। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि बिल्ली के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कैट बाय द टाइम द कैट विल कैच द रैट। ओके, इसीलिए इसे बोलते हैं रैट एंड कैट प्रॉब्लम। ओके, आपको मजा आएगा इसमें, जरा देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स देखे, तो जो भी अपने आंसर से इन्हीं वेरिएबल्स की टर्म में आने चाहिए। अब हम इसे कैसे प्रोसीड करें, देखिए थोड़ी सी एबनॉर्मल प्रॉब्लम लगती है। एक बार जब शुरू में बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कि हाउ टू प्रोसीड, पर बच्चों अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपको फिजिक्स आती है और आपने फिजिक्स को समझ के अच्छे से पढ़ा है और जो कॉन्सेप्ट्स, अब इसमें दो या तीन कॉन्सेप्ट्स और दूसरे इन्वॉल्व होंगे, वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच। ठीक है, तो यहां पे हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बिल्ली चूहे को अप्रोच कर रही है, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इनिशियल सेपरेशन इज एल एंड एट द एंड ये सेपरेशन यहां पे जीरो हो जाएगा और उसे कैच कर लेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे करें। तो हम इसमें कुछ ऐसा सोचें कि टी टाइम बाद मान लीजिए बिल्ली ने उसको कैच कर लिया, तो एट टी यानी कैचिंग टाइम हमने अज्यूम कर लिया टी। अब जब बिल्ली यहां से इस पाथ पे होती हुई ऑलवेज हेड्स टुवर्ड्स रेड, तो जब बिल्ली यहां होगी तो इस पाथ पे टेंजेंट डालिए, चूहा यहां होगा। जब बिल्ली यहां होगी इस पाथ पे टेंजेंट डालिए, चूहा यहां होगा, ऐसे डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा वो अपना फेस उसकी तरफ। जब बिल्ली यहां होगी इस पे टेंजेंट डालिए, चूहा यहां होगा, और इस तरीके से वो कैच करेगी। ठीक है, तो अब जब बिल्ली यहां से यहां पहुंचेगी तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि यार उसका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। नेचुरली जब बिल्ली यहां से यहां पहुंचेगी तो उसका वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो एल होगा, जो कि इनिशियल सेपरेशन है, वो तो गिवन है। लेकिन जब बिल्ली यहां से यहां पहुंचेगी तो उसका एक्स डायरेक्शन की उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, एक्स डायरेक्शन का उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो वो हम निकाल सकते हैं, देखो ट्रिक है ये, कैसे, कि बिकॉज टी टाइम आपने कैचिंग टाइम मान लिया है तो कैट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी चूहे के द्वारा ट्रेवल की गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसी के बराबर होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं यू इंटू टी। टी टाइम में जितना चूहा ट्रेवल करेगा वही बिल्ली का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ओके, डन। तो अब हमारे पास कैचिंग टाइम में बिल्ली का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यू इंटू टी आ गया है और उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो एल आ गया है। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब क्या करना चाहिए, हम मानते हैं जनरल पोजिशन लेते हैं कि मान लीजिए कैट यहां पर है, कैट यहां पे है तो वो इस कर्व्ड पाथ पे जो चल रही है तो उसकी वेलोसिटी को टेंजेंट के अलोंग हम वी बोल देते हैं। इस वी की डायरेक्शन में ही ठीक सामने यहां पे इस चूहे को होना चाहिए क्योंकि जब चूहा यहां पहुंच चुका है तो बिल्ली उसकी तरफ हेड किए हुए है। ओके, और अभी जो सेपरेशन इनके बीच का एल था वो सेपरेशन अब इनके बीच का घटके मान लेते हैं कि आर रह गया है।
ठीक है, कैट और रैट के बीच का सेपरेशन अब आर रह गया और धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और एंड में जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखो यहां पे चूहे की स्पीड हम यू ले लेंगे, बिल्ली की वी हो गई और एक इंटरमीडिएट पोजीशन है तो इस वी को एक डायरेक्शन असाइन कर देते हैं और मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे अभी इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन है, यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये एक्स बराबर जीरो है, इस डायरेक्शन को हम एक्स बोल देंगे। तो मान लेते हैं कि ये जनरल पोजीशन जो है एक्स डिस्टेंस पे अभी कैट की जो पोजीशन है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट अब तक बना चुकी है, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो चुका है जबकि उसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। नाउ बस अब तो बहुत आसान हो गया ये। चलिए जैसे जैसे बिल्ली चूहे को कैच कर रही है यानी उसके नजदीक जा रही है, इसका मतलब वो अप्रोच कर रही है, तो अब हमें इनके बीच का लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस इंस्टेंट पे। तो उसके लिए हमें दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट्स चाहिए। तो कैट का कंपोनेंट तो डायरेक्ट, कैट की वेलोसिटी तो डायरेक्ट दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है और आप ये एंगल थीटा हो जाएगा। रेट यानी चूहे की वेलोसिटी को भी आप इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर लीजिए, सो इट इज यू कॉस थीटा। नाउ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं बिकॉज दिस आर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। कहां से कहां तक? एल से जीरो तक होना है और अभी इंटरमीडिएट सेपरेशन इनका आर है और वो लगातार कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइंड होगी माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू कॉस थीटा। इट इज नथिंग बट बेसिकली इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, और उसमें भी जो पीछे वाली होती है ना, जो चेज कर रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि तभी वो आगे वाले बॉडी को कैच कर पाती है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सॉरी, और ये इक्वेशन हमने यहां पर लिख दी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। और फर्दर अब इसे आगे बढ़ाते हैं, अब जरा ध्यान से देखो, माइनस डी आर इक्वल्स टू वी डी टी माइनस यू कोस थीटा डी टी। ओके, ये तीन टर्म्स हमारे पास हमें दिख रही हैं यहां पे। इसमें अगर हम हमें टाइम निकालना है तो नेचुरली हम डी टी से टी पे जाना है तो इंटीग्रेशन पे जाएंगे, तो टेकिंग इंटीग्रेशन। ओके, और अब हमारे पास जो लिमिट्स मौजूद है, देखो dr क्या है, dr है सेपरेशन की लिमिट, कि सेपरेशन कहां से कितना होगा। तो इनिशियली t बराबर जीरो पे इनिशियल सेपरेशन था बेटा l, ओके, और जनरल टाइम t के बाद सेपरेशन हो जाएगा जीरो, dr में लगेगी सेपरेशन की लिमिट। तो इनिशियल सेपरेशन कितना था l और एंड में जाके क्या हो गया जीरो। तो t बराबर जीरो पे सेपरेशन था L और जनरल टाइम t पे सेपरेशन जीरो हो गया यानी कैच कर लिया। तो इधर की लिमिट्स हमारे पास मौजूद है, पर द की प्रॉब्लम इज दिस टर्म। यहां पे हम क्या करें क्योंकि थीटा भी वेरी कर रहा है और यहां तो थीटा के साथ dt आ गया है, तो इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते और यहां पे इस टर्म की लिमिट्स भी हमारे पास नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना होगा। तो क्या सोच सकते हैं हम, शायद हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो से ut की लिमिट्स बन सकती हैं अगर हम x डायरेक्शन का कोई इक्वेशन तैयार करें। तो जरा देखो यहां पे इसका, इस v का x कंपोनेंट बनता है बेटा क्या, v cos थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिल्ली का डिस्प्लेसमेंट है x, ये इस समय इस v cos थीटा की रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि dx by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x यानी रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन द x इज नथिंग बट v cos थीटा। आप जानते हैं ना कि एक जनरल डिस्टेंस x जैसे जैसे इंक्रीज होती रहती है तो वो dx by dt ही उसकी वेलोसिटी होती है। तो यहां पे dx by dt क्या हो जाएगा, v cos थीटा। ओके, ये हमारा, ये हमने यहां पे थोड़ी सी चालाकी की है और अब हम यहां dx v को इधर लेके आता हूं मैं और cos थीटा dt। cos थीटा dt का मतलब dx by v, हमने ये इक्वेशन निकाली और इस cos थीटा dt को यहां से एलिमिनेट किया जा सकता है dx by v पुट करके। ठीक है बच्चों, सो माइनस डी आर एल जीरो इक्वल्स टू जीरो टू टी वी डी टी, ठीक है, माइनस यू और इट इज डी एक्स बाय वी एंड नाउ वी हैव लिमिट्स ऑफ डी एक्स। डी एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी बताओ,
एक्स डायरेक्शन की लिमिट्स यहां एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर यूटी तक की आपकी लिमिट्स आपके पास डीएक्स की आ गई है, तो जीरो से यूटी तक की लिमिट लगा दें, ठीक है। और अब इसे फर्दर आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, नाउ डीआर का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा एल, वी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा वी टी, और u बाई वी बाहर आने के बाद जब हम इसमें dx में लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रेशन करके तो ये टर्म हमारे पास हमें होती हुई दिखाई दे रही है क्या, u बाई वी इंटू यू टी, ओके dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और उसमें जीरो से ut की लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। और जब इसे हम फर्दर सोल्व कर रहे हैं तो हमें टाइम हमारा नजर आ रहा है एल वी बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतने टाइम बाद वो बिल्ली उस चूहे को कैच कर लेगी, ठीक है बच्चों, दिस इज द टाइम, ओके। और देखो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम कैसे, कि मान लीजिए अगर चूहा रेस्ट पे होता तो उसका यू जीरो होता, और यू जीरो होता तो बिल्ली हमेशा उसकी तरफ हेड रखती तो सीधी वी वेलोसिटी से जाके कितने टाइम में कैच करती, बोलो एल बाई वी टाइम में। सो अगर इसमें हम u को जीरो पुट करते हैं तो आप देखिए l बाई वी टाइम में कैचिंग टाइम आ भी रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा सही है। नाउ सेकंड इज कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिल्ली उसको कैच करने पे, ट्रेजेक्ट्री की लेंथ क्या होगी। इट्स वेरी इजी कि बिकॉज कैट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v, तो उसकी स्पीड v को अगर कैचिंग टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल का भी आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, एंड सेकेंड इज डिस्टेंस का आंसर आपका आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ कैट इनटू टाइम ऑफ कैचिंग, सो विच इज v इनटू एल वी बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो इट इज एल वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप इसको एक दो बार समझेंगे और फील डेवलप करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं आपके लिए इसी तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम्स को लेके आता रहूंगा, जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इसमें देखें कि सर ने क्या कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं, वो इसे समझें और इस प्रॉब्लम का वो आंसर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इंदौर पल्स बाय अनअकैडमी चैनल को लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करें, और जो हमारा इंदौर में ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, अभय प्रशाल के सामने, आप उसे विजिट करें, आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, हम आपकी तैयारी को इसी तरीके से अपग्रेड करते रहेंगे। बाय बाय, सी यू।